नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकार्जे 35 मोटर वाइंडिंग नॉलेज चैनल। और दोस्तों आज इस वीडियो में जो हम ये जो V9 मॉडल है 5 HP, इसको 280 से 300 वोल्टेज के लिए वाइंडिंग करने वाले हैं, जो कि टू फेज। ठीक है, तो इसका स्टैंपिंग की लेंथ की अगर बात करें तो इसमें 85 mm का स्टैंपिंग लेंथ है। ठीक है, और अगर इसके डाया की बात करें तो इनर डाया इसका देख लेते हैं, इनर डाया इसका 95 mm, 95 mm इसका इनर डाया है। दोस्तों ये मोटर जो है पहले 3 फेज थी। ठीक है, जिसमें कि 1.1 mm के 36 टर्न थे। तो इसको जो है कस्टमर ने बोला है कि 2 फेज करना है, क्योंकि 2 फेज का लाइट जो है ज़्यादा मिलता है, जिससे कि ये ज़्यादा देर चलेगा तो पानी का स्टोरेज भी जो है ज़्यादा होगा। तो इसका डाटा जो है हम निकाल चुके हैं, जो कि इसमें हम 1.1 mm का जो वायर गेज है वो यूज़ करने वाले हैं, और जिसके टर्न जो है रहेंगे वो 36 36, 36 36 और 36, इसकी पिच रहेगी 8 10 12। ठीक है, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों जो है इसमें 1.1 mm के 36 36 ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका डाटा हमने किस तरीके से निकाला, तो उसका वीडियो जो है एक प्रॉपर चैनल पर बना हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि डेटा जो है 3 फेज से 2 फेज, 2 फेज से 3 फेज, और 3 फेज से सिंगल फेज किस तरीके से डाटा कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, और जो है आप चैनल पर जाकर चेक करिएगा तो भी उस वो वीडियो आप देख सकते हैं कि डाटा किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको जो है हम लास्ट में आपको टेस्ट करके इसका आउटपुट और एम्पियर भी चेक करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है कॉइल्स अंदर डाल लेते हैं। दोस्तों हमने इसमें जो है स्टार्टिंग और रनिंग दोनों डालकर जो है इसको अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इसका डेटा वगैरह सारा डिटेल जो है मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसको अब हम जो है फिट कर इसको अब टेस्ट करने वाले हैं, जो कि कस्टमर लेने आ रहा है, तो इसको वहीं जाकर हम जो इसको सेट करेंगे कैपेसिटर और एम्पियर चेक करके। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं फिर जहाँ पर हम चीज़ को टेस्ट करेंगे वहाँ पर। Yeah.